बटके ऊपर मारा रहा है जी। बटके सारे वो ठेका यो मारा रहा है, ठीक है। शाम के टाइम बुढ़िया छोरिया सब हवा में खेत में भी आवा, ठीक है। तो ठेका या नहीं होना चाहिए, तो रात ठेका रात ही रही है दारू, तो ठीक है। दारू रात मजाक मजाक में पी पी के खूब बोल रहे थे, यहाँ पर हम हरे बाढ़ रहे थे। हाँ, फिर हमारा नहीं बर्दाश्त को नहीं है। ये अड़ी है वो धमकी दे के गए हैं कि ठेका यहीं खुलेगा, आप से जोर लगता तो लगा लो। तो सरपंच साहब आपको धमकी कौन देकर गया था? वो कटारिया दे के गए हैं। वो ये ठेका सरासर सही है जी, कानून के दायरे में सही आता है। DTS हो जगह नाप के ले गए जी, मंदिर दूर है, गुरुद्वारा दूर है, स्कूल दूर है। नमस्कार, एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि रामपुरा बिश्नोया में ठेका हटवाने की मांग आखिरकार ग्रामीणों की, पंचायत की और जो सर्व सहायता संघ की रंग लाई है। ठेका बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों को करीब 13 घंटे जाम लगाकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अफसरों ने खुद खड़े होकर शराब की बिक्री करवाई। लेकिन 13 घंटे विरोध जताने के बाद आखिरकार सुनवाई हुई और ठेके को बंद करना पड़ा। तो ये एक बड़ी एकता गांव की देखने को मिली है जो कि नशे के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा ऐलान है। गांव रामपुरा बिश्नोया में मंगलवार को ग्राम पंचायत व ग्रामीणों की ओर से शराब ठेके को बंद करवाने की मांग को लेकर रोड जाम किया गया, लेकिन इससे पहले एक सप्ताह का अल्टीमेटम देने के बाद आश्वासन है वो आबकारी विभाग की तरफ से दिया गया था कि यहाँ पर ठेका नहीं चलेगा, लेकिन वो वादा खिलाफी हुई तो ग्रामीण धरने पर बैठे, लेकिन सभी नियम पूरे किए बिना ही शराब की बिक्री जारी रही। शाम को तो पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने खड़े होकर ठेके के आगे शराब बिकवाई। देखिए पुलिस और विभाग कैसे काम करता है। रोकना चाहिए तो नशे के खिलाफ पुलिस को जंग करनी चाहिए, अपराधियों पर नकेल कसनी चाहिए, लेकिन पुलिस कैसे नियमों को पूरा करवाती है ये अपने आप में वानगी है। दरअसल ठेके पर एक्साइज पॉलिसी के अनुसार लाइसेंस डिस्प्ले फर्म पोस्टर रेटर बैनर पुलिस वेरिफिकेशन वाले करिंदे तक नहीं थे। इससे ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी अधिकारियों पर ठेकेदारों से हिस्सेदारी का आरोप भी जड़ डाले। करिंदे विजय और गोरीवाला जोन मैनेजर ने बताया था कि इलाके में ठेके यूनिक वाइज के हैं और सिरसा से ये सप्लाई करता है, ज़्यादा नियम कायदों का उन्हें पता नहीं। देर रात 8:30 बजे तक लोग धरने पर बैठे रहे, तो इसके बाद पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को मनाते हुए शराब ठेका बंद कर करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाने और ठेके से आमजन को कोई परेशानी पैदा न होने देने का वादा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने सुबह 7:30 बजे से सिरसा संगरिया रोड को अनिश्चितकालीन धरना लगाकर जाम किया था। सरपंच कुलविंदर सिंह, सर्व सहायता संघ प्रधान गुरप्रीत सिंह, बाबा गोरा और तमाम जो ग्रामीण महिलाएं उनके साथ बैठी थी, तो लगातार जहां पर बीजेपी नेता पहुंचे थे और पूर्व डिप्टी सीएम के भाई जो दिग्विजय चौटाला वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे। तमाम जनप्रतिनिधियों ने धरने को समर्थन दिया और ठेकों को गांव से 1 किलोमीटर दूर करने की अपील DETC से भी की है। दूसरी DETC आलोक पासी ने ठेकेदारों को सही ठहराया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते 13 घंटे बाद अधिकारियों ने ठेके को बंद करने का फैसला 1 किलोमीटर दूर ले जाने का किया और इस दौरान आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर DSP किशोरी लाल, सदर थाना प्रभारी और गोरीवाला के चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 13 घंटे विरोध करने के बाद आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिद थी कि ये ठेका चलेगा। ग्रामीण नहीं चाहते कि शराब वो पिएं और उनके गांव के लोग पीकर यहां पर हुड़दंगबाजी करें, लेकिन ठीक है, सरकार नियमों पर अगर खुलवाना चाहती है, सरकार को टैक्स का पैसा और उससे अपना पूरे का पूरा खजाना चलाना है, तो 1 किलोमीटर दूर करिएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्या कुछ ग्रामीण कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। तो ये धरना दिया, ये धरना तब तक नहीं उठाऊंगा तो जब तक कि हमारे ठेके का सलूशन नहीं होता, कि हमारे गांव से ठेका नहीं उठाया जाता। यही मैंने आपका धरना क्या रात को रात को यहीं रहेंगे, गद्दे कहे हुए हैं, गद्दे आ रहे हैं, रात भी यहीं गुजारेंगे, कल दिन भी, जब तक फैसला नहीं आता यहाँ से नहीं लेंगे। मैं सोशल मीडिया के थ्रू आसपास के जितनी भी पंचायतें हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि सोचने की बात यह है, सुबह से पूरा गांव रोड के ऊपर बैठा है, प्रशासन के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही, और ये हमारे गांव का ही मसला नहीं है, ये पूरे सभी गांव का मसला है। आए दिन यहाँ पिछले 2 महीने के अंदर 17 मौत हो चुकी हैं डबल हल्के के अंदर,
आपको जानकर हैरानी होगी, 17 मौत और युवा लड़के चिट्टे से मरे हुए हैं। किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। अभी तक जिला सिरसा में बैठा डीसी तक को हमारी इस धरने की खबर तक नहीं जाने दी नीचे वाले अधिकारियों ने। तो मैं जितने भी आसपास की पंचायतें हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हमारे इस हमने जो धरना दिया ये बिल्कुल नशे के खिलाफ दिया है और हमने इस गाँव से शुरुआत की है। आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, सरपंच एसोसिएशन है, जो भी समाज सेवी संगठन है, उनसे हाथ जोड़ के गाँव रामपुरा बिश्नोइया का निवेदन है कि हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ दें। यह लड़ाई हम आखिर तक लेके जाएंगे ताकि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ये जो नशे की जो वारदातें हो रही है इनको रोका जाए, कैसे ना कैसे ये इनको रोका जाए। आज हमारा साथ दे रहे हो तो कल हम भी तो आपका साथ देंगे सभी गाँववासियों को। हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट धीरज सिंह महारुद्रा एक बार फिर से ग्रामवासियों के साथ धरने पर लाइव मौजूद हूँ। अभी आप सुन रहे थे रामपुरा बिश्नोइया के कार्यकारी सरपंच भाई कुलविंदर सिंह को और भाई गोरा सिंह को। हमारे साथ बैठे हैं रिछपाल जी, बैठे हैं यहाँ मायत, बैठे हैं बैरीलाल जी इधर करिए, और ये गांव के सभी युवा साथी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। साथियों आज विषय क्या है? विषय है कि गांव रामपुरा बिश्नोइया के अंदर पिछले 2 साल से जो जद्दोजहद चली आ रही है कि गाँव का जो ठेका है उस ठेके को गाँव में ना बनाया जाए, यहाँ शराब किसी भी कीमत पर ना बेची जाए, लेकिन प्रशासन जो है वो जस की तस अड़ा हुआ है। प्रशासन ने फिर ठेका अलॉट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 साल पहले या पिछले साल भी डीसी साहब ने, उपायुक्त महोदय ने गांव वालों को आश्वासन दिया था कि अगले साल आपके गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा।